ये टिपिकल हरियाणा में ही होता है और कहीं नहीं होता हिंदुस्तान में। जब आदमी बोल रहे होते तो इधर से हाथ मिलाना शुरू होता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष, भोजपुर हरियाणा के लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर जी, यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स, हमारे दूसरे साथी यहाँ के बहुत मेरे पुराने साथी, राजीव गांधी जी के जमाने में जिन्होंने बहुत मदद की हमारी, राजीव जी की भी और मेरी भी, उस वक्त एक सरकार में परिवर्तन लाने के लिए उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत संख्या में सिरसा में हमारे भाई और बहुत ही ज्यादा संख्या में हमारे सिख भाई, आप सिख भाइयों का मैं जब जिक्र करूंगा तो मेरे साथ एक नारा लगाइए, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु की फतेह। और हमारी बहनें और नौजवान साथियों, बहुत सारी बातें बताई हमारे साथियों में, मैं उनकी दोबारा से चर्चा नहीं करूंगा। हरियाणा के बारे में भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विस्तार से बोला, और जब विधानसभा का इलेक्शन होगा कुछ महीनों के बाद, उस वक्त हम सब का ध्यान हरियाणा की सरकार की तरफ होगा। लेकिन आज हम पार्लियामेंट के चुनाव के बीच में ये यात्रा चला रहे हैं परिवर्तन की। परिवर्तन की जरूरत हरियाणा में भी है, लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, इस वक्त केंद्रीय सरकार में परिवर्तन की जरूरत। क्यों परिवर्तन की जरूरत? अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन उनके शासन में और आज के मोदी जी के शासन में जमीन और आसमान का फर्क है। वो एक आम साधारण प्रधानमंत्री की तरह काम करते थे, उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में बहुत अंतर था, लेकिन काम करने का तरीका उनका आज की सरकार से बहुत बेहतर था। वो विश्वास करते थे लोकतंत्र पे, लेकिन आज की सरकार और हमारे आज के प्रधानमंत्री विश्वास नहीं करते हैं लोकतंत्र पे। पहली दफा इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि राजनीतिक दलों को खत्म करो और एक पार्टी रहनी चाहिए भाजपा। कौन है भाजपा? कहां से आई? क्या इसका भारत की आजादी से कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं। क्या इसका भारत के उत्थान में कोई रोल रहा है? नहीं।
क्या इसका भारत को जोड़ने का कोई काम रहा? नहीं। क्या सत्ता में आने के बाद ईमानदारी से सरकार चलाई? नहीं। क्या इतना झूठ किसी पहली सरकार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने बोला? नहीं। जब ये सब चीजें नहीं तो फिर क्या? उस कांग्रेस के साथ लोगों को सब मतभेद होंगे, अमेरिका बर्तानिया को हमसे सब मतभेद होंगे, चीन जापान को हमसे सब मतभेद होंगे, लेकिन दुनिया मांगती है कि कांग्रेस ने न सिर्फ भारत को आजादी दिलाई बल्कि उसके बाद दर्जनों देशों को जो आजादी मिली उसके लिए एक नया रास्ता बनाया। भारत की आजादी से पहले विश्व में, दुनिया में जिसने जिस देश ने भी आजादी हासिल की है वो देश की आधी आबादी खो कर दी, क्योंकि आधी आबादी तलवारों से उनका कत्ल हुआ, गोला बारूद से उनका कत्ल हुआ, बमों से उनका कत्ल हुआ, फिर जाके आजादी मिली। लेकिन ये एक पार्टी है महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सरदार पटेल की, मौलाना आजाद की और लाखों करोड़ों किसानों, नौजवानों, महिलाओं, युवकों, बुजुर्गों, उनकी पार्टी जिसने बगैर खून बहाए हिंदुस्तान में आजादी, सत्य और अहिंसा की। उसके बाद अफ्रीका ने, उसके बाद कई और देशों में आजादी, और उन्होंने नक्शा दिया हिंदुस्तान का और वो कामयाब हुआ। और जब हमारे बुजुर्ग लड़ाई लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के साथ थी और अंग्रेजों को सिखाती थी कि कांग्रेसियों के खिलाफ ये करो, कांग्रेसियों के खिलाफ ये करो, कांग्रेसियों का सर यहां दबाओ, कांग्रेसियों का सर यहां दबाओ तो आप सरकार चलाओगे। वही जो मोदी जी आज करते थे वही इनकी पार्टी के बुजुर्ग 70 साल और 80 साल पहले करते थे, और उस वक्त दुश्मन के साथ मिलकर करते थे, दुश्मन के साथ मिलकर। और आज देश के सबसे बड़े हितेशी वही, और देश परस वही, और जिन्होंने देश बनाया वो पाकिस्तान के साथ हो गए, वो चीन के साथ हो गए, और ये बड़े देशी हो गए। मैंने इनको बताया था पार्लियामेंट के अंदर, मोदी जी बैठे थे 2 साल पहले, बहुत छपा दुनिया में, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी कहते हैं कि हम बड़े देश भगत हैं, हम बड़े देश भगत हैं, बड़े देश भगत हैं। तो मैंने सदन में बताया कि देखो तुम्हें देशभक्ति का सबूत देना है क्योंकि तुम नहीं हो, और हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हम हैं। हमारे हजारों, जिस तरह से धर्म में कोई दादा बाप चाचा परदादा होता है, राजनीति में भी राजनीतिक बाप दादा परदादा होता है, तो जो हमारे राजनीतिक दादा परदादा है नेहरू से लेकर, गांधी से लेकर ऊपर, भगत सिंह तक, सब लोग, चंद्रशेखर आजाद तक, राजगुरु तक, ये हमारे आजादी के दादा परदादा, तो इसे हमें कहने की जरूरत नहीं। तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई। मैंने कहा एक पंडित जी थे ब्राह्मण, बहुत बड़ी मिसाल, वो बड़े कट्टर ब्राह्मण, लेकिन कभी न कभी उनमें कुछ हृदय परिवर्तन हुआ। तो ब्राह्मण थे, गोश्त नहीं खाते थे, प्याज भी नहीं खाते थे, लेकिन हृदय परिवर्तन हुआ और मुसलमान बन गए।
तो जब मुसलमानों के साथ खाना खाते थे, गोश्त तो खाते थे, लेकिन ढेर सारा जितने मुसलमान थे उनका प्याज वो सब खा जाते थे। तो किसी ने पूछा, ये क्यों खाते हो? कहा, इसलिए कि मुसलमान मुझ पे यकीन करें कि मैं वाकई मुसलमान बन गया हूं। तो तुम ऐसे हो कि तुम पर लोगों को यकीन नहीं है कि वाकई तुम देशभक्त हो, इसलिए 24 घंटे देशभक्त करते हो। कहने से आदमी देशभक्त नहीं होना चाहिए, दिल से देशभक्त होना चाहिए। तो ये प्याज खाने वाले देशभक्त, ये हृदय से नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई देश की लड़ाई नहीं लड़ी। इनके 1942 में जब गांधी जी ने मौलाना आजाद के अध्यक्षता में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का रेजोल्यूशन बंबई में पेश किया, तो कांग्रेस ने कहा कि जहां जहां भी सरकारें, उस वक्त तक मिली जुली सरकारें थी हमारी कई दूसरी पार्टियों के साथ, कांग्रेस ने सब एमएलए को कहा, मंत्रियों को कहा, तुम छोड़ दो, लेकिन सत्ता में कौन रहे? मुस्लिम लीग, वो पाकिस्तान वाले मुस्लिम लीग और इनके क्या नाम था, इनकी हिंदू महासभा, ये सत्ता में रहे। और इनकी बुकों में है कि इन्होंने अंग्रेजों को क्या क्या कहा कांग्रेस को दबाने के लिए, ये इनकी किताबों से मैंने पढ़ा, मैंने पार्लियामेंट में कोट किया और किताब भी रखी कि ये आपके लोगों ने, उस वक्त लीडरों ने चिट्ठियां लिखी थी कि देखो ये भाग गए, इनको इस तरह से दबाओ कांग्रेसियों को ताकि तुम हुकूमत कर पाओ। आज हमें बताते हैं कि कांग्रेसी विद्रोही हो गए पाकिस्तान, क्योंकि हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आज सेकुलरिज्म वाला बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की बात करेगा, उस देशद्रोही होगा। और जो कहेगा इसको कत्ल करो, उसको मार दो, इसको मार दो धर्म के नाम पर, वो देशभक्त होता है। अरे देशभक्त तो वो है, और देश इकट्ठे तब इकट्ठे रह जाता है जब सब समुदाय सब धर्म एक रहेंगे। जिस वक्त आप दूसरों को मारना शुरू कर दोगे तो देश के टुकड़े शुरू हो जाएंगे। तो ये कैसा देशभक्ति है कि आप तोड़ने का तो काम करते हो और बगल में छुरी मुंह में राम करते हो, उससे देशभक्त नहीं हो सकता है। वो देश टूटता है, देश बनता नहीं। इसलिए इस नीति से हमें, जो वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा इंदिरा गांधी कहती थी, हमारे सिख भाइयों को पंजाब में जाके कहती थी, हमारे कश्मीर में आके कहती थी कि धर्म और राजनीति को मत करो। धर्म एक बहुत पाप पवित्र चीज है, राजनीति, धर्म में आप एक अपने धर्म का पालन करके अपने धर्म के लोगों का उत्थान करना है, लेकिन राजनीति में खाली अपनी जाति और अपने धर्म का उत्थान नहीं करना है, अपने देश का उत्थान करना है। इसलिए दोनों को मिलाओगे तो कहीं ना कहीं आप अन्याय करोगे। अगर धर्म के नाम पर आप जीत जाओगे तो दूसरे धर्म के साथ आप अन्याय करोगे, और दूसरे धर्म के साथ अन्याय करोगे तो आप राजनीति के फिट नहीं हो। राजनेता वही बन सकता है, मंत्री वही बन सकता है, एमएलए वही बन सकता है, एमपी वही बन सकता है, मुख्यमंत्री वही बन सकता है, प्रधानमंत्री वही बन सकता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज धर्म नहीं देखता है, जाति नहीं देखता है, जिस तरह से डॉक्टर ये पेशेंट नहीं देखता है कि ये मेरी जात का है, मेरी धर्म का है तो मैं इसका इलाज करूंगा और दूसरे धर्म वाले को इलाज नहीं करूंगा, जिस तरह से टीचर प्रोफेसर ये नहीं देखता है कि मैं खाली अपने धर्म वाले को पढ़ाऊं, दूसरे धर्म वाले को नहीं पढ़ाऊं, तो जिस तरह से डॉक्टर प्रोफेसर होता है उसी तरह से हमारा जो राजनेता होता है उसे धर्म और जाति के नाम पर अगर वो बांटेगा तो उस काबिल नहीं होता है, उस पद के काबिल नहीं होता है। ये पद उन लोग के लिए होता है जो इंसाफ पे और लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, और जो इंसाफ सबको धर्म और जाति के नाम पर न बांटे, बल्कि जिसका जो हक है उसका धर्म और उसका जाति कुछ भी हो उसको अपना हक दें, वही प्रधानमंत्री, वही मुख्यमंत्री, वही मंत्री,
वही एमएलए बनने का हकदार होता है। बाकी लोगों को धर्म का प्रचार करना चाहिए, उसमें कोई दखल नहीं देते हैं, जो मर्जी आता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा, आज ऐसा नहीं हो रहा। आज अपनी पार्टी को और एक सोच के आदमी को वाइस चांसलर बनाया जाता है। गवर्नर कभी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं देते, आज गवर्नर पहली दफा हिंदुस्तान गवर्नर अपने धर्म और अपनी पार्टी का स्टेटमेंट देते हैं और दूसरी पार्टी की निंदा करते हैं। ये कैसा लोकतंत्र? क्योंकि गवर्नर इसलिए बिठाया गया था कि एक राजनीतिक दल का तो मुख्यमंत्री होगा, लेकिन वहां दूसरे कई राजनीतिक दल पार्टियां होंगे तो गवर्नर एक जज का काम करेगा, इंसाफ नहीं होंगे। इनके वक्त ऐसे गवर्नर आपने चुन चुन के कट्टरपंथी लगा दिए कि जो अपनी पार्टी के फेवर में स्टेटमेंट और दूसरी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, तो ये लोकतंत्र के काबिल नहीं। ये प्रचार कर सकते हैं लेकिन सरकार नहीं चला सकते। इस सरकार में वो आदमी होने चाहिए जो विश्वास करते हैं लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पे, जो विश्वास करते हैं भाईचारा पे, जो विश्वास करते हैं देश को आगे चला रहे। आज देश की सरकार कैसे चल रही है? टेलीविजन सरकार चला रहा। मोदी साहब टेलीविजन वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर वो होना चाहिए जो दिल में होना चाहिए। टेलीविजन पे 4-10 दफा दिखाओ, 24 घंटे आप टेलीविजन पे रहो, लेकिन दिल में तो किसी की इज्जत नहीं है ना। गांधी जी को टेलीविजन पे कोई नहीं दिखाता, लेकिन हर हिंदू और मुसलमान और सिख के दिल में तो रहता। दिल में रहना चाहिए इंसान, टेलीविजन की शक्ल देखने से ऊब जाते हैं आदमी। आप समझते हैं कि वाह वाह होती है, वाह वाह नहीं होती है माननीय प्रधानमंत्री जी। ये टेलीविजन वाला प्रचार बंद कर दो और जो वादे किए थे लोगों से वो वादे पूरे करो। ये हमारा दिल बहलाने के लिए मत उधर घुमाओ गलियों में और कोचों में कि हम गुम हो जाएं। ये नए नए तमाशे, ये तारे निकले, ये भी मोदी साहब ने बनाए, ये सूरज जो सुबह निकल रहा है ये भी मोदी साहब ने बनाया। अब ये ग्रुप हो गया, ये कांग्रेस ने करा ग्रुप। ये चांद मैंने निकाला लेकिन दिन में ये गायब हो गया, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार। आज आकाश में कुछ छोड़ो तो ये मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया। बहुत कहां बनाते थे 30 साल बैठ के ये आकाश में। आप मिसाइल बनाने वाले चले गए ऊपर और ये तो बनते हैं। एक चीज जो बनती है, एक ट्रैक्टर बनेगा अगले दिन, हमारी गाड़ियां तो हम नहीं बनाते हैं ना। आज उन्हीं गाड़ियों का अगले साल दूसरा मॉडल, अगले साल तीसरा मॉडल, चौथा मॉडल, पांचवा मॉडल। अब मोदी साहब कहेंगे ये पांचवा मॉडल, दसवां मॉडल मैंने बनाया। इसी तरह से आकाश में जो चीजें जाती हैं उनके भी मॉडल होते हैं। एक दफा साइंसदान उसमें काम करते हैं। अरे ये साइंसदानों का कमाल है, आपका क्या कमाल है? आपको तो कभी फुर्सत भी नहीं आई होगी उनसे बात करने की कि कैसे उस साइंसदान से बात करने की। डिफेंस वाले कुछ करते हैं, एयरफोर्स वाले अटैक उस साइड करते हैं, वो भी मेरे को ही क्रेडिट। हर चीज सिपाही का क्रेडिट, आर्मी का क्रेडिट। उनको कितनी दफा पार्लियामेंट में कहा कि आर्मी किसी पार्टी की नहीं होती है, फौज हिंदुस्तान की होती है, देश की होती है। साइंसदान किसी पार्टी के नहीं होते हैं, साइंसदान देश की होती है। तो देश की चीजों को भी अपने खाते में डाल देते हैं, लेकिन जो वादे किए बाहर से काला धन लाने के लिए उसका जिक्र नहीं करेंगे। जो इलेक्शन में 24 घंटे दो दो हाथ खड़े करके ऐसे करते थे अच्छे दिन आए, अब क्यों नहीं अच्छे दिन में बोल रहे हैं उसके बारे में? क्योंकि इतने बुरे दिन इनमें आए तो अब दूसरी दफा इलेक्शन में अच्छे दिन बोल ही नहीं सकते। ये 10 करोड़ नौकरी नौजवानों को देती, आज क्यों उसका उल्लेख नहीं करते? उसका उल्लेख नहीं करें।